दोस्तों इसराइल में जो वायलेंस चल रहा है उसको हमास ने शुरू किया, लेकिन ये हमास है क्या? देखिए 1967 में सिक्स डे अरब इसराइल वॉर हुआ था। जब इसराइल इस वॉर को जीता तो इसके दो दशक बाद 1987 में शेख अहमद इस्माइल हसन यासीन ने इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का गठन किया। ये इजिप्ट के सुन्नी ग्रुप से ओरिजिनेट हुआ और इसका पूरा नाम है हरकत अल मुआकम अल इस्लामी, यानी कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। 1987 में भी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच एक वॉर हुआ जिसे फर्स्ट एंटिफदा यानी कि पैलेस्टीनियन रिवोल्ट के रूप में देखा गया। फिर इसके बाद इसराइल के ज्यूज को टारगेट किया गया, सिविलियंस पर सुसाइड बॉम्बिंग और रॉकेट अटैक्स किए गए। और दोस्तों यही वो टाइम था जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, लेकिन कतर, टर्की और ईरान जैसे देश न सिर्फ हमास को अपना एलाई मानते हैं बल्कि उसे फंडिंग और सपोर्ट भी करते हैं। जबकि सबसे चौंकाने वाली बात पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे के इस रिसर्च में सामने आती है, जिसमें सिर्फ 31% पैलेस्टीनियन लोग ही चाहते हैं कि हमास उन्हें रिप्रेजेंट करे, जबकि बाकी के पैलेस्टीनियन लोगों का मानना है कि हमास उनको रिप्रेजेंट ना करे।